हाल ही में मनोरंजन जगत से लगातार कई रिश्ते के टूटने की खबर सामने आ रही है। इसी बीच शुक्रवार को भी मशहूर रैपर रफ्तार उर्फ दिलीन नायर और उनकी पत्नी कोमल के तलाक की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। कपल ने अपनी शादी के 6 साल बाद अलग होने का फैसला लिया है। दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे, लेकिन अब दोनों ने कानूनी तौर पर तलाक लेने को तैयार हैं। रफ्तार और उनकी पत्नी इस साल तलाक लेने वाले पहले कपल नहीं है। इससे पहले भी मनोरंजन जगत में कई जाने माने कलाकार अपने लंबे रिश्ते को तोड़ चुके हैं। आइए जानते हैं मनोरंजन जगत के ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में। साउथ के मशहूर कपल में से एक धनुष और ऐश्वर्या ने भी इसी साल 17 जनवरी को एक दूसरे से अलग होने की जानकारी देते हुए सभी को हैरान कर दिया था। यह कपल बीते 18 साल से एक साथ थे। अपने रिश्ते को खत्म करते हुए दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान जारी किया था। अपने इस बयान में उन्होंने कहा था कि हम दोस्त, जोड़े, माता पिता और एक दूसरे के शुभ चिंतक के रूप में 18 साल तक साथ रहे। आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। हमने एक जोड़े के रूप में अलग होने और हमें बेहतर रूप से समझने के लिए समय निकालने का फैसला किया है। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अक्सर अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अभिनेत्री इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड आदिल को लेकर चर्चाओं में हैं। लेकिन इससे पहले वो अपने पति रितेश संग अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में रही थी। राखी सावंत ने जब रितेश से शादी की थी तब बेशक उन्होंने लोगों को अपने पति रितेश से नहीं मिलवाया था, लेकिन बिग बॉस 15 में एक्ट्रेस के साथ उनके पति रितेश भी आए थे। इस दौरान राखी ने रितेश को सभी से मिलाया था। हालांकि उन्होंने इसी साल फरवरी में बिग बॉस के बाद अपने पति रितेश से अलग होने का ऐलान कर दिया था। भोजपुरी सिनेमा से भी इस साल तलाक की खबर सामने आई थी। भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और गायक पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से अलग होने का फैसला ले लिया था। जानकारी के मुताबिक अभिनेता ने इस सिलसिले में आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अभिनेता की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान और उनकी पत्नी की राहें जुदा हो गई हैं। दोनों ने इसी साल तलाक का फैसला किया। इस कपल की शादी 24 साल बाद टूटी है। बता दें कि दंपत्ति के दो बच्चे हैं, निर्वाण और योहान। जानकारी के मुताबिक दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे, जिसके बाद सोहेल खान और सीमा सचदेव तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दे डाली।